सो हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो में। तो गाइस राइट साइड ज़्यादा मत देखना। हाँ, तो एक छोटा सा बेस्ट टूर में दिखाने वाला हूँ, जो कि भाई एक दिन हो गया मेरे को फुल बनाते बनाते, तो भाई दिखाते हैं भाई। सबसे पहले तो कुछ सिनेमेटिक मैंने बनाया है, तो भाई देख लो पूरा बेस्ट टूर का मीन्स बनाया है मीन्स। अरे कहना क्या चाहते हो? टाइम लग गया भाई, 2-3 स्टिको लगे मेरे को उसको टेम करने के लिए, क्योंकि बोर्ड ज़्यादा ही लगा, सार्कू घूम रहा है भाई। तो जल्दी से दिखा देता हूँ भाई आपको मैं। तो गाइस आपको बताना है यार सिनेमेटिक कैसा लगा भाई अपना। तो अपन अपने तरफ से पूरा ट्राई किया, तो इधर से पूरा मैं वॉल लगा दिया और इधर से भी जाके दिखा देता हूँ उनको। इधर से भी मैंने वॉल लगा दी है, बीच का इग्नोर करना, इधर से कोई नहीं घुसेगा भाई, ट्रोडन रोडन कोई नहीं। और इधर एक भाई बिहेमथ का गेट लगा दिया। सबसे पहले तो भाई मैं डायनो का लगाने वाला था, फिर सोचा कि अपन गीगे ये टेम करेंगे तो फिर उसमें तो आने नहीं वाला डायनो वाला में, तो इधर बड़ा सा लगा ली। इधर देखो भाई अपन अर्जेंट टीवस वगैरह को इधर एकदम फॉर्म में लगा दी, और एक नया अर्जेंट टीवस हमने टेम किया है, क्योंकि पहले वाला जो आपको पता है टाइटन वो ऐसे मर गया। और इधर भाई 3 स्टीगो मैंने टेम किए, मीन्स 2 पहले से, तो एक और किया क्योंकि वुड की थोड़ी कमी हो जा रही थी। और जनरेटर वगैरह मैंने इधर ला के लगा लिया यहाँ पे एक वुडन सा, क्योंकि बाहर से आओ और इधर जल्दी से फिर सामान वगैरह रख सकते हैं। और इधर 2 फीडर लगा दिए, और दिखाता हूँ भाई एक साइज से ओके, एक नॉन वेजिटेरियन लोग के लिए है, और लोग के लिए नहीं डैनो के लिए, और एक वेजिटेरियन डैनो के लिए, दोनों का जुगाड़ है भाई, जिनको जो खाना है खाओ। और इधर तो वही अपना बेस था, और इधर वही अपन रैक्सो वैक्सो लगा दिए इस साइड से, क्योंकि अच्छा दिख रहा था भाई, इनका मुँह थोड़ा बाहर जा रहा था, तो मीन्स सिनेमेटिक नहीं लिया पता नहीं क्यों मैं। तो हाँ, तो इधर भी मैंने लगा दिए, इधर मैंने ज़्यादा नहीं लगाए क्योंकि कौन ही आएगा, कोई आ जाए तो मीन्स अपने रैक्स और स्पाइनो है। और इधर डायनो का गेट लगाया क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, वो भाई इग्नोर करना ये जगह ये, क्योंकि यहाँ पे वॉल लग नहीं पा रहा था। और अपन ट्रैक को बाहर ही रख दिए, क्योंकि ट्रैक का बाहर ही काम था, अंदर काम नहीं था पेड़ पौधे वगैरह के लिए। और मैंने एक बाहर भी एक क्या कहते हैं इसको पावर प्लांट बोल रहा हूँ मीन्स फार्मिंग के लिए रख दिया है, क्योंकि बाहर में सही था यार मीन्स, अंदर ज़्यादा जगह नहीं बन रहा था, और ज़्यादा मैं क्राफ्ट वगैरह करना नहीं चाहता था, इसलिए बाहर बना दिए। इधर में अच्छा खासा दिख रहा है ना भाई, इधर से पाइपलाइन का देखो ऐसे सिस्टम है। तो गाइस इस एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ मैं यही करूँगा भाई, ये वुडन ट्री प्लेटफॉर्म, इसके लिए भाई 200 मेटल इनगोट और कितने 600 सीमेंटिक पेस्ट भाई, मीन्स ये तो बहुत खींच रहा है भाई, इतना सामान कहाँ से लाऊंगा। मेटल इनगोट शायद से होगा, चलो जाके देखना पड़ेगा भाई है कि नहीं मेरे पास। दो अपना भाई उसके वुड खत्म हो गए, वुड ला के मेरे को डालना पड़ेगा लगता है। रुको इन्वेंटरी खुल जा भाई। ओके तो मेरे पास यहाँ पे 150 ओके, तो मेरे पास 450 मेटल इनगोट है। चलो कोई ना भाई, रुको वेट ओवर लोड हो रहा है, तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं। और इधर रुको, इसके लिए और क्या क्या चाहिए अपन को, तो इसके लिए भाई सब चीज़ चाहिए भाई, वुड क्या कहते हैं फाइबर, फाइबर बोल रहा हूँ, और वो सीमेंटिंग पेस्ट, क्योंकि मेटल इनगोट पर डाल दिए तो इन पर है क्या, रुको इन पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो वुड फाइबर मीन्स कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पे वुड है लेकिन थोड़ा वुड इतना से क्या ही होगा। तो चलो यार मैं बाहर से लेके आता हूँ। तो गाइस वुड हार्वेस्ट करने की बात हुई, और भाई स्टीगो को लेके ना जाए वो भी टैग का, तो भाई मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे। तो फाइनली इधर आ गए, और इधर भाई बहुत सारा तो मिल गया, रुको गेट पूरा खुल चुका है। यहाँ पे सामने सार्को है भाई, वो आ भी जाए तो मेरे को कोई डर नहीं भाई, इतने सारे अपने डायनो से सब मार देंगे। तो एक हिट में 100 वुड देता है भाई, रुको ये हार्डन में ये करने से क्या देता है, ओके इससे पूरा बैरिज लेता है, और शार्पन से, रुको शार्पन से लेके शार्पन से सब देता है ये वुड, वुड कम देता है, बाकी थैच और बेरीज वगैरह ज़्यादा लेता है, इसका लेवल अब भी आ चुका है। तो वही अपन को सिर्फ वुड चाहिए, तो भाई हार्डेंड करके ही लेंगे यहाँ पे मीन्स अच्छा खासा मीन, वाह बे 200-300-400 वुड दे रहा है। चलो कोई ना, इतना वुड का तो काम हो गया अपना, इतना तो भाई स्टीको बहुत दे रहा है, तो वुड का काम हो गया, बस इसका थोड़ा सा अपन लेवल अप करते हैं। हाँ लेवल तो पूरा वेट ही में लगाता हूँ मैं, जितना भी लेवल मिलता है क्योंकि वेट ही का काम है, तो यहाँ पे जल्दी से ले लेते हैं और भी जल्दी से इसे क्राफ्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि स्मिथी को बाहर ही ले जाते हैं, क्योंकि इसका काम बाहर ही है, और रिफाइनिंग फोर्ज वगैरह को बाहर देखेंगे बाद में, तो इसके लिए क्या क्या स्टेप चाहिए। ओके
स्टोन ओके ये सब चाहिए, हाइट वगैरह। तो चलो इसको भी बना के बाहर ही रख देंगे, क्योंकि स्टीगो भाई घर के अंदर तो घुसेगा नहीं। और एक एक करके मैं दो दो तो 300-300 स्टैक ला ला के कौन रखे, तो सीधे अपन जाएंगे बाहर रखेंगे और स्टीगो को सीधे लेके क्या कहते हैं स्मिति क्या? के बाहर ले जाएंगे, और मीन्स उसमें डाल देंगे, फिर लेंगे फिर डालेंगे, तो ज़्यादा ईजी रहेगा भाई। तो ये बन गया, तो बाहर अपन प्लेस करते हैं इसको। तो मैं इसको यहाँ प्लेस कर रहा हूँ मीन्स जस्ट लेफ्ट साइड के एज में, क्योंकि स्टीगो को यहाँ लेफ्ट साइड खड़ा कर दूंगा मैं, और मीन्स यहाँ पे वुड वगैरह डाल देंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मस्त प्लान है। और बाकी जो मेटल इनगोट वगैरह इनमें इसका जो सामान था वही सब ले ले भाई तू। ओके सब आ गया, तो बस अपन को उससे कहाँ गया भाई अपने स्टीगो। स्टीगो रुक भाई, ये पेट्रोल कहाँ से आ रहा है भाई? हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? बेस से चले जा भाई पेट्रोडॉन भाई, ये तो वेट कैरी कर नहीं पाता। ओके तो यहाँ पे मैं इजीली आ गया ये, और यहाँ से मैं उतर जाऊँगा। और कुछ नहीं, बस यहाँ से लेंगे अपन पूरा इन्वेंट्री फुल करेंगे अपन यहाँ से। खा ले खा ले खाली, इजी खा ले भाई, तेरा ही घर है समझ रहे हो। इंस्टीगो तो यहाँ पे अपन इजीली यहाँ से डाल लेंगे, बस सही बताओ इजी है ना भाई अंदर डालने से। अच्छा तो मैं धीरे धीरे भाई सामान को बाहर रखूँगा, क्योंकि घर ऐसी शोपीस रहने दो भाई बाहर ही से है। ओके इसके लिए सीमेंटिक पेस्ट और थोड़ा वुड चाहिए, तो भाई पूरा मिस मिस का सामान लेके आता हूँ भाई, और सीधे क्राफ्ट करके चलते हैं भाई रेड वुड में लगाने इसको। और ये भाई मुड़ने में टाइम लगाता है, मीन्स भाई Why you bully me? ये बड़े जानवर ना मुड़ने में बहुत टाइम लगाते हैं, खास करके स्टीगो। तो गाइस यहाँ पे ये भाई स्टीगो ने से एक दे दिया है, तो 7 घंटे में स्पॉयल होगा। उससे पहले वही अपन इसको वो ले लेते हैं, और इसके लिए वही सैसे मेरे को स्टैंडिंग टॉर्च लगाना पड़ेगा, और वो करके इसको इंश्योर क्या कहते हैं यार उसको इंसुलेशन जो भी बोलते हैं वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही अपन यहाँ पे फेंक देते हैं, और को क्या बोल रहा है टू हॉट बता रहा है। तो हाँ गाइस यहाँ पे मैं प्रोसेस नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत टाइम ले लेता भाई, मैं इधर गया फिर आके बनाया, मीन्स छोड़ो मीन्स समझ जाओ। तो यहाँ पे टू हॉट बता रहा है, अभी भी टू हॉट बता रहा है, तो 2 हॉट आज अपन यहाँ से कम कर देते हैं। रुको लाइट ऑफ हो जा, और ये भी लाइट ऑफ हो गया। अब क्या बता रहा है, अभी भी 2 हॉट बता रहा है, तो एक और काम कर, एक और लाइट ऑफ हो जा। और रुक भाई तेरे को चालू नहीं होना भाई, रुक भाई रुक सबर कर। ओके ये हो गया, अब क्या बता रहे? ओके कितने मिनट बता रहे भाई? 7 मिनट, 7 मिनट इतना में वो हो जाएगा मीन्स ये आ जाएगा। तो भाई इंतज़ार करते हैं भाई, तब जाके भाई मैं इंतज़ार करूँगा भाई। मीन्स अपना फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा हूँ मैं, मीन्स आर्क में मोबाइल में भी मैंने नहीं कि मोबाइल मैंने खेला है यार, लेकिन मीन्स इतना उधर मैं ज़्यादा एक्सप्लोर वगैरह किया हूँ बस, मैं ज़्यादा ज़्यादा इतना उधर वो टेक्निकली चीज़ वगैरह सब नहीं किया मैं, समझ जाओ। तो 3, 2 और 1 यहाँ पे वही स्टीगो के बेबी आ चुका है यहाँ पे वही, मीन्स सही दिख रहा है बे यहाँ पे, रुको वही छोटा स्टीगो सही दिख रहा है बे सही में सीरियसली। रुको इसका वही लाइन में ज़्यादा पूरा बंद नहीं करूँगा, रुको वही अंदर जाने दो। E2 इम्प्लांट ऑन बेबी स्टीगो। ओके तो ओके ये सहसे वो हो गया, टाइम हो गया, अभी सहसे मैच्योरिंग होने में इसको टाइम लगेगा। तो भाई इसका इन्वेंट्री वगैरह भी देखो यहाँ पे क्या बता रहा है। ओके तो इसको मैच्योरिंग होने में टाइम लगेगा भाई, अब सुबह का इंतजार करते हैं, और सुबह अपन जाके बनाते हैं मीन्स बनाते बोल रहा हूँ प्लेस करते हैं वो वुडन प्लेटफॉर्म। तो गाइस यहाँ पे सुबह हो चुका है, और मैं यहाँ पर रेड वुड आ चुका हूँ, और यहाँ पर ज़्यादा नहीं मैं धूप वूप में लगाने नहीं वाला, और ऊँचा में लगा मैं यहीं पर लगाने की सोच रहा हूँ। यहाँ पे ये कैसे पेड़ सही रहेगा, यहाँ पर सही रहेगा, रुको यहीं पर लगाते। तो यहाँ पे क्योंकि छाँव भी है, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं यहाँ पे वुडन प्लेटफॉर्म, और इधर रख जा, और ऊपर के नहीं लग सकते क्या ज़्यादा, इससे ज़्यादा ऊपर जा नहीं रहा है, तो यहीं लगा देते हैं। और वही मीन्स क्या बहुत बढ़िया लग रहा है भाई इधर RPC में बिल्कुल। रुको तो यहाँ पे अपन सेप टैप भी लगा देते हैं, तो एक सेप टैप यहाँ लग जा, और दूसरा वाला भी लग जा। ओके तो इसको सबसे मेरे को खोल के देखना पड़ेगा तो ही एक्टिवेट होते हैं, ऐसे मैंने सुना है भाई बड़े यूट्यूबर का गेम प्ले देख के। तो भाई देखता हूँ मैं बड़े यूट्यूबर को मीन्स देख के, क्योंकि उन्हीं से अपन थोड़े बहुत सीखते हैं भाई क्या क्या से क्या होता है, मीन्स आर्क ऐसे ही देख सीखा है मैंने। तो बस इंतज़ार करना है भाई थोड़ा सेप टैप के लिए, और भाई नज़ारा देखते हैं भाई इधर, अच्छा ही नज़ारा है भाई इधर देखने के लिए भाई यहाँ से बहुत अच्छा। भाई यहाँ पे बेस बना देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो करना तो यहाँ पे एक बेड लगाते थे, मैं सोच रहा हूँ भाई सब सामान वगैरह ले आया, तो भाई देखो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए मैं काट काट के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बेड कहाँ लगाएं भाई, इधर रुको इधर लग जा रहा है, क्यों नहीं लग रहा है भाई? पहले तो ऑप्शन आया था, पहले ऑप्शन आया था भाई, रुको कौन सा चिड़िया भाई, रुको पहले बेड लगाने दो मेरे को जल्दी से भाई, ऑप्शन नहीं आ रहा है, रुको ऐसे सीधे जाएंगे भाई, ऑप्शन गया। ओके इधर ही लगा देते हैं। ओके इधर लग गया,
और अच्छा है वही, इधर मीन्स इधर सो नहीं सकते, वो बस प्रॉब्लम है यहाँ पे। और वही मीन्स नज़ारा भाई उधर डिप्लोडोकस वगैरह घूम रहे हैं, और उधर वो भी है ना जैसे मेगाथेरियम कहते हैं उसको, रुको इसको मारने का कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से। नहीं भाई इधर से नहीं जाएगा ये, वो चले जाता है अपना, क्या कहते हैं वो चले जाएगा, लेकिन छोड़ो कौन ही वेस्ट करे। तो यहाँ पे भाई एक एक्सप्लोर नोट रखा हुआ है, यहाँ पे जाके लेना पड़ेगा। ओके तो चले जाएंगे उधर। और भाई ये क्या चीज़ है, ओ भाई चलो मिल गया, तो इसको नीचे जाके टेम करते हैं भाई। मीन्स यार डियोड मिल गया भाई, चलो इधर अपन क्या कहते हैं उसका बना लेंगे, स्टोन का वॉल वगैरह लगा के अच्छा खासा एक बेस बना लेंगे भाई। मज़ा आ गया भाई, मीन्स डियोड मिल गया। तो भाई इधर टेरड वगैरह वगैरह घूम रहे हैं भाई, ये लोग मार रहे हैं भाई, रुको इनको मारने दो भाई, मेरे पीछे पड़ गए दोनों, रुको भागने दो भाई। भाई तुम लोग क्यों भाई, रुको ना भाई, अब बड़ी मुश्किल से डियोड मिला है भाई, मार मत देना उसको भी, रुको मारने दो इनको भाई, मर जाओ भाई। चीटी टी भी दौड़ा रहे भाई, मक्की दौड़ा रहे हैं भाई। चलो ये लोग तो गए भाई, सोल्जर वगैरह नाम है भाई, कहाँ का सोल्जर भाई, तुम लोग एक ही हिट में मर जाते हो। ओके तो भाई तू डियोड ऐसे घुसे रहे इनको, मैं रुको मैं मारता हूँ भाई। भाई मीन्स रुको भाई मीन्स, चलो एक टायर बढ़ गया, 36 लेवल का था एक भाई, मर जा, खून खून तो कर ही दिया भाई मेरे को। ओके ये भी 40 लेवल का था, तो ओके कोई ना, चिटिन कुटिन भी मिल गया अपन को इसे, चिटिन कुटिन नहीं चिटिन कैरेटिन बोलते हैं इसको। देखो तो इसको उठा क्यों नहीं सकता रे, मैं उठ नहीं पा रहा है यार ये, पता नहीं क्यों, रुको मैं कभी उठा ही नहीं पाता भाई डायनासोर को। रुको तो इधर स्टेमिना थोड़ा होल्ड करते हैं, मीन्स होल्ड बोल रहा हूँ, बैठते हैं स्टेमिना के लिए। देखो उठा ही नहीं पाता हूँ यार इसको मैं, पता नहीं यार नहीं उठ रहा है। तो भाई चीटी वगैरह भाई तुम लोग भागो भाई, ओके सब मर गए भी एक ही हिट में, तो बस इनको टेम करना है भाई। तो यहाँ पे ट्रैंकुलाइजर डार्ट लगा लिया है, और भाई तू खाना खाता है तो भाई मेरे को लगता है कि कोई आ जाता है, तो शांत वो मीन्स मारना मत इसको, मस्त दिख रहा है अभी डियोड में छोटा सा। तो भाई रुको इसको मारने दो भाई, मर मत जाना भाई, इसको तो कोई असर हो नहीं रहा है, ना भाग रहा है ना मार रहा है, अभी क्या हो रहा है इसको। चलो कोई ना मार के देखते इधर, इसको सीरियसली कुछ असर नहीं हो रहा है, ना भाग रहा है ना मेरे को मार रहा है ना ये अनकॉन्शियसनेस हो रहा है, रुको लगाने दो भाई। मेरे को लग रहा है भाई ये ग्लिच हो गया। तो यार आर्क पीसी में नया ग्लिच ढूंढ ली क्या हम गाइस, नया ग्लिच भाई इधर रुको, इससे भाई दिखाता नहीं है, मोबाइल वर्जन में दिखाता है इसका टोरपीडीडी से। तो भाई रुको सब एरो मार दूंगा भाई, लेकिन इतना में हो जाना चाहिए, सीरियसली इतना में हो जाना चाहिए, पूँछ में मार के देखते हैं। मीन तीर आर पार हो जा रहा है, लेकिन इसको कुछ हो नहीं रहा, ना भाग रहा है ना, मीन भाई ये ग्लिच हो गया भाई, इतना में तो हो जाना चाहिए बे, ग्लिच हो गया भाई ये। तो यहाँ पे देखो भाई मैं इसे मार भी रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, मीन ये ग्लिच हो गया भाई, इतना में या फिर ये मर जाता है, फिर भागता है, फिर मेरे को बैकफायर करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा भाई इसे, क्या बताऊँ ये ग्लिच का। तो भाई मज़ा तो नहीं आया भाई, इतना मेहनत से अपन को वैसे तो डियोड मिला, और मीन्स इसको टेम ही नहीं कर सकते हम ग्लिच की वजह से। तो चलो कोई ना, यहाँ पे भाई एक्सप्लोर नोट खोल के देखते हैं, और फिर से भाई बोट टोट का मिल रहा है, तो भी पढ़ने का टाइम है नहीं भाई अपने पास। तो गाइस यहाँ पे ये देखते, और चलो यहाँ पे अपन को सैप टैप मिल गया है, इसमें चार सैप टैप, सैप टैप बोल रहा हूँ, सैप मिल गया, और इससे कितना देखते हैं। ओके तो इसमें भी चार मिल गया, मीन्स अपने पास 8 हो गया, तो इंतज़ार करके ऐसे मिल जाएगा इससे। तो इधर बेस बनाएंगे, देखते हैं भाई डियोड वगैरह मिल जाए तो, या फिर एंकाइलो भी मिल जाए भाई, एंकाइलो मेरे को दिख नहीं रहा है कहीं पे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई हम मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो पे।